से नाराज रहना, सजाए हम तेरी बरात है ना, सवेरे दिन रात ना पाए चैना। सुन लेना तुम्हें चाकर भी न चाहे, करे जो मन मानिए मन न माने, मिली जो ये जो याद मिल के अब बाटे तेरे नाम। सुना सफर पर प्रेम नगर है, मिल पाएंगे क्या हम तुमसे, जो रात बीती सुबह तो आई ना। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम तुमसे, छुपा छुपाई नजर तो आई ना। अब तो आर आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। अब तो आर आस पास आ रही बारात, करना इनकार बार बार देना साथ। आज मैं जा रही मेरी मौसी के घर, वहाँ पे आज हमें मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है, और मम्मी नानी अभी जाएंगे मार्केट, उनको कुछ सामान लेना है, फिर वो लोग आते आते मौसी के घर पे आएंगे। बट मुझे डे टू का वीडियो अपलोड करना है, इसलिए मैं भी उनके पे वाईफाई है तो मैं इसलिए वहाँ पे जा रही हूँ। और उनके बगल में ही हम लोग का है घर, बट वो अभी रेंट पे है। ये यहाँ का क्रिकेट ग्राउंड, यहाँ पे इवनिंग में बच्चे लोग आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, इतना बड़ा है। तो अब हम आ गए हमारे घर पे, ये हमारा घर, ये मौसी का टेरेस है और ये हमारा टेरेस है, और ये एंट्री। तो हम लोग ने लाइक एक साथ ही सब किया था, तो ये मौसी वाला हाउस है और ये हमारा है, दोनों का अंदर का इंटीरियर सेम है। बट अभी ये वाला जो है ये हम लोग ने रेंट में दिया है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे होते ही नहीं है ना, तो फिर ये घर अभी क्योंकि ये बनाया न्यू घर है, तो अगर इसको हम लोग अगर ऐसे ही रख देना फिर बहुत जैसे बहुत सब गंदा हो जाएगा घर, अगर कोई रहेगा नहीं। तो दोनों का इंटीरियर सेम, मेरे को देखते कोई है या नहीं है, फर्स्ट ने बुलाया था इन्होंने, है क्या डोर बजाना पड़ेगा, डोर तो खुला है। साहिल बेमान आर, ये मेरा भाई है, ये मेरा सबसे छोटा भाई है। और देखो हम लोग ने ऐसा किया लाइक दोनों भी हाउस में सब सेम है ये इंटीरियर वर्क, कुछ डिफरेंट नहीं है, इसमें थोड़ा लाइट लगा दी, तो दोनों भी सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्योंकि दोनों हाउस हम लोग ने किया था सेम बेड। तो फिर ये देख लो, ये शिवाजी महाराज के हमारे पास तीन है, ये एक दो ये तीन ना, और यहाँ पे भी है देखो, ये भी एक है, और ये इनके पास भी लाइक हम लोग के घर में सबके पास टैंक है, इनके भी पास है, इनकी यहाँ पे देखो कॉर्नर पे सबके पास ऑलमोस्ट स्विच टैंक है, और ये सेकेंड रूम है, और ये भी एक है, ये मेरे काका और मेरी मौसी का है किचन। मम्मी भी आ गई, नानी भी आ गई, मौसी भी है, ये लोग अभी ब्रेकफास्ट की सब तैयारी स्टार्ट है इनकी, वैसे भी अभी तो लंच का टाइम है बट ये ब्रेकफास्ट हो रहा है। और ये पूजा घर है, ये देखो सब प्रिपरेशन चल रहे हैं। चलो देखते हैं आज मौसी ने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें बनाई हैं, यहाँ पे तो चल रहा है डेकोरेशन, तो दिखाते हैं आप लोग को पूरा होने के बाद। मम्मी मैंने उसको देखा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे थी सोफे के नीचे, तो मैंने उसको देखा ही नहीं। यह है वो डिम्पी, आपने अगर मेरे पहले के ब्लॉग्स देखा होगा तो अगर आपको इस पता होगा कि यही वो बिल्ली है जिसने सांप लाया था पकड़ के, और ये अभी ऐसे क्यों बैठी है बिकॉज ये प्रेग्नेंट है, इसको शायद अभी दो तीन दिन में बेबी डिलीवर होने वाला है, तो ये इसलिए एकदम आज एकदम शांत बैठी है, वरना वो ऐसी ना बैठती नहीं है, बट शायद अभी एक दो दिन में उसका ना हो जाएगा डिलीवरी, इसलिए ये अपना मस्त यहाँ पे सोई है। देखो इसको कुछ फर्क ही नहीं है। सो गाइस ये देखो, ये हम लोग का ब्रेकफास्ट जो मेरे मौसी ने ये सब कुछ बनाया, डोसा इडली, ये खीर है, और ये ना ये भी चटनी है बट ये सूखी है, और ये कोकोनट की है, और ये तो इडली के साथ जो सांभर होता है वो है, कटलेट भी बनाया उसके साथ सॉस, और ये शायद ये ग्रीन कुछ तो है, ग्रीन चटनी है ये, और ये लोनी है, लोनी ला हिंदी में क्या बोलता है, लोनी बोलता है, मक्खन मक्खन, ये मक्खन जो डोसे के साथ खाना है वो, ये लस्सी, और ये ढोकला जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ढोकला। देखो आज का ये इतना सारा ब्रेकफास्ट मौसी ने सिर्फ बनाया, तो अभी मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग डायरेक्ट खाना खाएंगे,
बिकॉज ये इतने में ही हमारा पेट तो ऑफकोर्स भरेगा क्योंकि बहुत कुछ है खाने के लिए, तो फिर खा के मिलते हैं बाद में। अब हम जा रहे मंदिर, हमारे यहाँ पे ही है बट थोड़ा दूर है, तो हम लोग रिक्शे से जा रहे सब लोग। ये वो मंदिर, ये भी ना न्यू मंदिर है जो बना है यहाँ पे। मौसी, ये मेरा थोड़ा छोटा भाई है, वो जो कल था वो मेरा बड़ा भाई था। मम्मी और ये देखो व्यू, देखिए पूरा यहाँ पे तो बिल्डिंग्स सब बन रही है। गांव में आने के बाद बहुत ही लाइक वेदर कितना ही प्यारा लगता है, ऐसा लगता है यहाँ पे धूप है। ये देख लो दूर दूर तक व्यू देखो, पूरा बहुत ही सब ग्रीनरी ग्रीन देखे तो और ही अच्छा लगता है। बिकॉज हमने रहते मुंबई में तो वहाँ पे इतना ज़्यादा ग्रीनरी देखने ही नहीं मिलता, तो इसलिए यहाँ पे देख के बहुत ज़्यादा ही प्यारा लगता है। तो अभी कुछ भी चीज़ें प्री प्लान नहीं थी, अचानक से हमारा अचानक से ही सब फिक्स हुआ कि हमें जाना है मंदिर जो कि है बाड़ू मामा का मंदिर। लाइक हम लोग में बहुत इनकी मान्यता होती है, तो ये कुछ भी लाइक ऐसा प्लान ही नहीं था। लाइक सुबह से फिर ऐसे अचानक से प्लान बना और अचानक से हम लोग ने मौसी को लाइक बोला और वैसे निकल गए हम लोग। तो ये जो रहता ना कि जैसे नसीब में होता है कि जाना होता है, तो बस यही था नसीब कि आज हमें यहाँ पे जाने का मौका मिला। क्योंकि इसका जो मेन जो एक है ना वो बहुत दूर है यहाँ से, बट नसीब में था ये वाला तो यहाँ पे भी गए। और ये ऐसा ही वहाँ मतलब यहाँ पे कि येलो वाला लगाते हैं, और एक जो है ना हमारे वहाँ पे ना पिंक कलर का होता है जो गुलाल होता है वो। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे बैठे हम लोग खेत में, इधर ये लोग इन्होंने कुछ तो लिया है उधर से कुछ खाने के लिए, वो कुछ कुछ है पता नहीं, कुछ स्टार जैसा है तो वो लोग खा रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पे रुक के अभी हम जा रहे हैं दूसरे गांव जहाँ पे मेन पूजा है। मौसी मम्मी और ये लोग आए इधर ड्रॉप करने मेरी बैग, बट अभी तक गाड़ी नहीं है हमारी। ये मेरी मौसी है, मम्मी की सेकेंड नंबर की सिस्टर है ये मम्मी। तो ये रात का व्यू है मंदिर का जहाँ पे हमारी मेन पूजा है, तो यहाँ पे ज़्यादा कवर हो नहीं पाया बिकॉज बहुत ज़्यादा गर्दी थी इधर। तो ये जो कुछ डांस होता है ये वो था, जब हम जा रहे हैं मंदिर। मेरे भाई मम्मी और ये मेरे मामा हैं, तो हम अभी सब जा रहे हैं मंदिर, अभी ऑन द वे है। एक्चुअली मैं रात में गई थी बट आपने का देखा ही होगा कि रात में इतना ज़्यादा अच्छा क्लियर व्यू नहीं था, बहुत नाइट था। तो अभी आपको हम पूरा व्यू दिखाएंगे वहाँ का। सो ये हमारा गाँव का मंदिर जो कि हमारी गाँव में, और इनकी ही यात्रा है और इनका नाम है श्री भैरी देव। ये हमारे गाँव का है और इनकी यात्रा है जो कि 5 साल में एक बार ही होती है। तो अभी लाइक ये साल होने के बाद अब डायरेक्ट 5 साल बाद होगी ये जो यात्रा होती है वो। ये देखो ये हमारे भगवान शिको ये हमारे गांव में अभी जो मेला भरी है वो है। ओ खाना रहे ये मंदिर, और ये मंदिर के सामने ये सब कुछ लगा है मेला।
तो ये खाने के लिए सब लोग बैठे थे, तो बस मैंने थोड़ी सी रैंडम क्लिप्स निकाल ली। ये था मंडप, यह घर, और मंडप में सब खाने का रखा था यहाँ पे, जो भी खाना हो रहा था। सब कपड़े यहाँ पे सूख रहे, बिकॉज अभी सबके घर में बहुत सारे रिलेटिव्स आए, तो ये देखो यहाँ पे अभी सब वही है, क्योंकि घर में बहुत ज़्यादा रिलेटिव्स आए तो घर में इतने कपड़े तो सुखा नहीं सकते। तो इधर और यहाँ पे अंदर खाने का सब वो किया है इंतज़ाम, तो यहाँ पे अंदर। हेलो गाइस, सो मैं और मेरे ये दो भाई हम जा रहे हैं, एक आए धरन रखा है डैम डैम देखने जा रहे हैं, और वहाँ की सीनरी बहुत ही प्यारी होती है, वो आपको हम वहाँ पे जाके ही दिखाएंगे कि वो कितना ही प्यारा होता है। बट अब तो बारिश नहीं है, फिर मुझे कुछ अभी पता नहीं है कि कैसा होगा क्या, बट हम लोग गए थे लास्ट टाइम बारिश में तो बहुत ही प्यारा था। बट चलो चलते साथ में, यहाँ पे पहुँच गए, अभी हमें यहाँ से ऊपर जाना है। और ये देखो यहाँ पे बारिश के टाइम पे बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो यहाँ पे तो बहुत ही प्यारा लगता है। आगे तो पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, ये देख लो। यार इसने वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, अब हम यहाँ से जाएंगे ऊपर। गाइस ये देखो, अब हम प्लान कर रहे हैं, देखो यहाँ से ये जो है ना नीचे रास्ता यहाँ, और ब्लर हो गया, यहाँ से जाएंगे हम लोग ऐसे ऊपर की तरफ। यहाँ पे देख रहे, कोशिश कर रहे जाने का, और ये देख लो इतना ही प्यारा लग रहा है। चलो वहाँ पे जाके मिलते, अगर वहाँ पे जगह रहेगी ऊपर जाने की तो हम लोग ऊपर भी जाएंगे। यहाँ पे ये बाइक ला रहा है, और ये इतना ज़्यादा दिमाग लगा रहा है, मैंने इसको बोला कि वहाँ से बाइक नहीं निकलेगी, ठीक है, उसको मैंने पहले ही बोला, फिर भी उसको और ज़्यादा दिमाग लगाना है, उसको वहाँ से गाड़ी निकालना है, देखते किसी गाड़ी यहाँ से निकलती है या नहीं। मेरे को तो लगता है बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, बिकॉज वहाँ पे देखो बीच में ना खड्डा भी है और वहाँ पे बीच में पानी भी है, तो आई डोंट थिंक सो वहाँ से गाड़ी निकलेगी, फिर भी इसको ज़बरदस्ती निकालनी है, इसको करना एक्सपेरिमेंट। हाँ ये देख लो, ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार है, चलो देखते ऐसी गाड़ी निकल रही है या फिर नहीं। बट हमारे पास हैवी ड्राइवर है जो गाड़ी कैसे भी करके निकाल दे रहा है, बट हमें थोड़ा सा तो डर लग रहा है। सब मैंगो ट्रीज है मोस्टली यहाँ पे। गाइस अभी एक और एक्सपेरिमेंट चल रहा है, ये देखो यहाँ से ऊपर जा रहा है, ठीक है, बट हमें पता नहीं कि ऊपर जगह कैसी है। अरे भाई साहब, इसने ला दिया गाड़ी इधर। ये देखो हम लोग तो पूरा डर गए थे, हमें तो लगा अभी तो हम लोग गिरने वाले हैं, बट इसने बचा लिया। ये देख लो ये पानी वाला व्यू, पागल है खाली, इनको चाहिए पानी। और ये मुझे लेके जा रहे हैं यहाँ से, जो कि ये मेरे को लग रहा है मैं यहाँ से जा पाऊँगी। रुको आपको मैं यहाँ का ना रास्ता दिखा दूँ कि कैसा रास्ता है। देखो गाइस रास्ता देखो, यहाँ से मैं वहाँ तक जा रहा हूँ पानी के पास। और अगर ये ब्लॉग मेरी मम्मी ने देखा तो हमें तो गालियाँ पड़ेगी, क्योंकि मम्मी ने मना किया था कि नीचे जाने के लिए, बट हम तीन भाई बहन कर रहे हैं ये चीज़ नीचे जाने की कोशिश। इसकी भी मम्मी ने देखा, मतलब अगर मेरी मौसी ने भी देखा तो भी गालियाँ खाएंगे,
अगर मेरे पापा ने देखा तो और सुनाएंगे हमें। ओ भाई यहाँ तक आ गए, ये देख लो। ओए तिकड़ुन 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 भाई से आ गए, पर डर भी बहुत लग रहा है इधर। जय श्री राम बोल के चल रहा है, ये देख लो। अरे कितना प्यारा लग रहा है ये देख लो। उफ ये हमारा सस्ता मरीन ड्राइव है गाइस, बट यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं होते हैं। बट ये देख लो यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ हम तीनों के सिवा इधर कोई नहीं आया। बट हमें यहाँ पे आना था देखने के लिए, बिकॉज हम लोग गाँव में आते ही बहुत लेट है, लाइक बहुत टाइम बाद आते हैं, इसलिए ये देख लो। ये देखो ठंड है, रुको मैं भी थोड़ा जाके आती हूँ। को बस फोटो निकालना है पूरे ड्राइव, ऑलरेडी इतने सारे फोटोज निकाल लिए इसने, बट इसको और भी फोटोज निकालना है। अभी देख लो, ओए मां से नाम रिवील कर, निकनेम गाइस मेरे को गांव में क्या बुलाते हैं इसको पूछना, बिकॉज इसको और मेरा थोड़ा सिमिलर है, लोगों ने सोच के इसको और मेरे को दोनों को नाम दिया था। बोल इसका निकनेम है बाबी और इसका नेम तू ही बता। इसका नेम बाबू है, तो ये था मेरा सबसे बड़ा भाई जो मेरी मौसी को सबसे पहले हुआ था, और मैं थी इसकी छोटी बहन, तो लोगों ने इसका नाम रखा बाबू और मेरा नाम रखा बाबी, ऐसे मतलब। और फिर आप मेरे को पूरे गांव में सिर्फ वही नाम से बस ना मतलब ना बुलाते, कोई ना ही मेरे को मयूरी मयू कुछ नहीं, सब लोग का एक ही नाम है बाबी बाबी बाबी, हर जगह बस वो एक ही नाम, सिर्फ बाबी नाम है। ये पता नहीं ये क्यों दिया, बट इसका मीनिंग क्या है पता नहीं, बट ये थोड़ा ऐसे सिमिलर था इसलिए इसको बाबू और मेरे को बाबी दे दी है ये। गाइस ये देखो फोटो के लिए मेहनत चल रही है, ये इधर से पत्थर फेंकेगा तो थोड़ा पानी ऊपर आएगा और ये पोज देगा। गाइस मिशन टू, फिर से ऊपर जाना, आज बस मिशन ही कर रहे हैं हम लोग बहुत सारे, इससे चढ़ के यहाँ से चढ़ के जाना है ऊपर। हाँ मैंने इनको बोला मैं खुद आ जाऊँगी, लीप ना हो जाए बस ये पत्थर। खेड़ा खेड़ा ये देखो आ गई। ये देख लो ये इवनिंग के 4 o'clock हो गए, अब बैक टू घर। हाँ तो चलना खाली, हम ये तो अब घर पे जाएंगे क्योंकि अभी हमें जाना है दूसरे गांव जिधर हम पहले उतरे थे ना मेरी जो नानी के, वहाँ पे जाना है, बिकॉज कल इवनिंग में हमारी ट्रेन है। घुटे गए थे घे और शोर आज क्लाउड्स देख लो। अच्छा यहाँ पे भी शाम में लोग गए थे ना खेती, अब वो सब अपने घर पे जा रहे हैं और हम लोग घूम फिर के जा रहे हैं। या अभी जस्ट मम्मी ने कॉल किया था क्योंकि अभी हम लोग को निकलना है और ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो गए हैं, तो बस निकलेंगे हम लोग। ये को तीया ही करे लाओ हम बात किसे कहते हैं काय हाय काय देवन फूड कान तू हे खातेस मी काय नाही खात रूट कस्टर्ड ये काय बोल काय कस्टर्ड पावडर घालून केले तुझ्या घराच्या पूजेत केलेले तेच आहे ना ते वेगळे रे ते फ्रूट खंड हे कस्टर्ड वेगळे कस्टर्ड ते वाला ना दोनों भी मौसी और ये मतलब मेरी मम्मी मतलब इसकी मौसी दोनों ने ऑलरेडी खाना खा लिया नॉनवेज, बट ये लोग इतने चटोरे लोग हैं ना, अब ये वेज पे भी अभी हाथ हाथ मारने लगे, जो बेचारे वेज उनका भी खाने लगे अभी ये लोग। तो देखो देखो धाको गिरे तुझ लाइक और लेने जा रहे हैं
योर में अब ये भी क्या फिर से पीना है गाइस ये सबसे बड़ा भाई अपलोड ना केला कर आ अपलोड इंटरनेट ना है ना वाईफाई यहाँ पे ही हमारा स्टैंड है हम यहाँ पे भी आ चुके हैं अब हमें निकलना है दूसरे गांव के लिए मतलब नानी के घर के यहाँ पे और ये देखो पूरी आज पार्किंग क्योंकि अभी सब लोग जा रहे इतने लोग सब गए मंदिर तो सब लोग ने अपने अपनी फोर व्हीलर वगैरह वो सब लाया और मेरे भाई गए मम्मी को लाने सो अब हम निकल गए थे मुंबई के लिए तो मैं वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग नहीं निकाल पाई बिकॉज घर से निकलने वक्त ऑलरेडी बहुत इमोशनल मोमेंट वैसे तो होती है बिकॉज नानी वहाँ पे अकेली है इसलिए और एक तो आज पता नहीं गाड़ी को क्या हुआ था बिकॉज ना कुछ वहाँ पे ना बहुत चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम तो गाड़ी बहुत ज़्यादा लेट थी और हमारी ट्रेन मिस होने वाली थी फाइनली आ गए बिल्डिंग में 5 दिनों बाद जा रहे घर पे सब सो ही रहेंगे मोस्ट ऑफ तो क्योंकि आज संडे है और हम लोग ऑलमोस्ट 10 बजे तक तो पहुँच गए तो सब लोग सोए रहेंगे अभी तक